को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वही कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकमेंट नहीं है, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है, सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है या सरकारें चलती है वहाँ लहर होती होती थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही। जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप, आपको सब एक एक समय कहेंगे। पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद में, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उससे कोई राज देना है वो भी दे सकता है। बहुत स्मूथली तरीके से मैं पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं दौरे कर रहे हैं उनके अलग फीडबैक मिलेगी। नंबर तीन जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसी द्वारा वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जो होगी तब, तो उसके बाद वो वहाँ पर ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गाँव में चले जाओ, किसी भी गाँव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वही कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकमेंट नहीं है, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है, सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है या सरकारें चलती है वहाँ लहर होती होती थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही। और जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप, आपको सब एक एक सौ में कहेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे।